मेरी बेटी को। अरे सालनी बेटा तू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू लिफ्ट में इसके साथ ऐसी नीच हरकत कर रही है। पापा आप ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे गलत फहमी हुई है और ये देख रहा हूँ तुम जो हरकत कर रही हो, मुझे गलत फहमी हुई है। पर मैं तुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहता था और तू यहाँ नाक कटवा रही है। ओए छोड़े, तू तो वही है ना जो थर्ड फ्लोर पर रहता है। मैं तुझे देखता हूँ कि दिन भर में 50 बार अप डाउन करता है। नहीं अंकल, गलत समझ रहे हो आप। अच्छा अब समझ में आया, तू मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है ना। पापा आप बहुत गलत समझ रहे हो, मेरी एक बार बात तो सुनो आप। तेरी बात सुनो? तू बात सुनने लायक रहने दी क्या? अरे सर आप एक काम करिए, इनका सिग्नेचर जल्दी दीजिए और मुझे लेट हो रहा है। अरे सिग्नेचर गया बाहर में, मैं क्या करूंगा इसको विदेश भेज के? हाँ सिग्नेचर होने की कोई जरूरत नहीं, जाइए आप। अरे सर आपका दिमाग तो सही है, आपको पता भी है पूरे विश्व भर में 10 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसके लिए अप्लाई करते हैं, और आपको पता है उसमें से 10 लोग सेलेक्ट होते हैं और उसमें से आपकी बेटी एक है, और आप ऐसे कर रहे हैं। देखिए सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को विदेश तो क्या यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं भेजूंगा अब ट्रेनिंग के लिए। जब ये लिफ्ट में नाक कटवा रही है वहाँ तो जाकर मेरा नाम ही बर्बाद कर देगी। देखिए सर ये कहीं नहीं जाएगी, समझे? लाइए फाइल और आप जाइए यहाँ से। देखिए सर लास्ट बार कह रहा हूँ, एक बार सोच लीजिए, आपकी बेटी की जगह ना लाखों कैंडिडेट बैठे हुए हैं एडमिशन पाने के लिए, तो आखिरी बार कह रहा हूँ एक बार सोच लीजिए आप। देखिए मैंने सोच लिया है, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगा, समझे? और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को दीजिए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ठीक है सर। हेलो मिश्रा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सालनी नाम की कैंडिडेट थी उसका आप रिजेक्ट कर दो और उसके जगह पे आप कोई डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट कर लो। ठीक है सर, आपके बेटी का नाम लिस्ट से रिजेक्ट हो गया, अब आप चाह के भी ना उसका सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। सर इसकी मुझे चिंता नहीं है, समझे? इज्जत से ज़्यादा एडुकेशन नहीं है, आप किसी और को दीजिए, मेरी बेटी डिजर्व नहीं करती वहाँ जाने के लिए। जैसी आपकी इच्छा सर। पापा पापा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरा करियर खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए प्लीज़। अब तुम्हारा करियर एजुकेशन नहीं, कल्लू पहलवान ही तुम्हारा करियर है जिससे मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा, समझी? क्या शादी कल्लू पहलवान? पापा आप ये बहुत गलत कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज। अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा ही नहीं, समझी? चल चुपचाप घर। चला अंदर। अरे शांति तुम काम करके गई नहीं अभी तक? साहब वो लिफ्ट में कैमरा ठीक करने वाला आया था। हाँ। वो ये बिल देके गया है तो उसने बोला था ये आपको दे दूं, तो इसीलिए मैं बैठ के ना यहाँ पे आपका इंतजार कर रही थी कि ये बिल दे दूं आपको। क्या लिफ्ट में कैमरा ठीक हो चुका है? हाँ वो तो बोला कि सुबह ही ठीक करके चला गया। पापा उस लिफ्ट का कैमरा जो है ना मेरे फोन में ऑपरेट होता है। अच्छा। मैं आपको अभी की फुटेज दिखाती हूँ, एक सेकेंड ये देखिए असल में अभी क्या हुआ था। अरे सानी जी सुनना, मेरी आंख में कुछ चला, जरा निकालना। एक सेकंड परेशान मत हो, मैं निकालती हूँ। अरे बाप रे, अरे बेटा मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, तू तो कुछ कर ही नहीं रही थी। हे भगवान, मैंने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, मैं तो बड़ी मुश्किल से सिफारिश लगा के तेरा अमेरिका में उस कॉलेज में एडमिशन करवाया था और अपनी ही गलती के कारण तेरा एडमिशन रद्द करवा दिया बेटा। पापा आप उस पर थोड़ा सा भरोसा कर लेते तो मेरा करियर खराब नहीं होता, मैं भी अमेरिका जाकर पढ़ सकती थी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं, सब बर्बाद हो गया। देख बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं पापा, मेरे नसीब में नहीं था जाना तो नहीं मिला मुझे, पर वैसे भी आपने मुझे जन्म दिया है, मेरे लिए तो इतना भागा दौड़ी कर रहे थे आप, ये कॉलेज मिलना मेरे नसीब में ही नहीं था। आप मत परेशान होइए, आप बैठकर आराम करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भगवान